अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई एम सबा एंड वेलकम टू सबाज़ किचन एंड लिविंग। आज मैं बनाने जा रही हूँ हम सबका ऑल टाइम फेवरेट गोभी मंचूरी। ये बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बर्तन में 3 से 4 कप पानी को उबाल लिया है। इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून के करीब नमक, और उसी के साथ हम डालेंगे गोभी जो मैंने कट करके धो लिया है। ऐसे मैंने इसे हम उबलते हुए पानी में डाल देंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा गोभी जो है थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा, और अगर इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, अगर कीड़े वगैरह कुछ है, तो नीचे सेटल हो जाएंगे। जब तक गोभी पक रहा है, आइए इसका बैटर रेडी कर लेते हैं। यहाँ वो एक बोल में मैंने 1/2 कप कॉर्नफ्लोर लिया है और 1/2 कप मैदा लिया है। उसी के साथ मैंने 1/2 टीस्पून नमक और थोड़ा कलर लिया है। इसका हम गाढ़ा बैटर बना लेंगे। ये देखिए, मैंने गाढ़ा बैटर बना लिया है। गोभी को 3 से 5 मिनट तक पकाने के बाद इसे छान लिया है मैंने। अभी हम इस गोभी को इस बैटर में डाल लेंगे। हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ इसके ऊपर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून के करीब मैदा और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर से। ये देखिए, इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अभी इसे हम फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। आइए अभी गोभी हमारी फ्राई कर लेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम हाई पे रखा है। गोल्डन क्रिस्प होने तक इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए, गोभी को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, गोल्डन क्रिस्प हो गए हैं। अभी हम इसका सॉस रेडी कर लेते हैं। सॉस बनाने के लिए मैंने एक पैन में 3 बड़े चम्मच तेल लिया है। उसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून के करीब गार्लिक, रफली चॉप या फिर फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक। थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। जैसे इसका थोड़ा कलर चेंज होगा, हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। तो अभी मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज प्याज बारीक कटी हुई, कैप्सिकम ऑप्शनल है, फ्लेम हाई पर ही रखें। मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून के करीब नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, क्रश की हुई काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 3 टेबलस्पून ऑफ केचप, 1 टेबलस्पून ऑफ विनेगर। हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास चिली सॉस है तो आप 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 2 टेबलस्पून टमाटो केचप डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था, तो इसीलिए मैंने 3 टेबलस्पून केचप लिया है। इस सॉस को थोड़ा थिक करने के लिए मैंने 1 टीस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स कर लिया है। इसे मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे जल्दी से। दो मिनट के लिए पका लेंगे इसे। हमारी ये जो गोभी फ्राई किया था हमने, उसे डाल देंगे। फ्लेम को बंद कर देंगे अभी, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम फिर से ऑन कर लेंगे। बस इसे 1 से 2 मिनट तक टॉस कर लेंगे। इसे अच्छे से डालेंगे हरा धनिया, मिक्स कर लेंगे फिर से। बस हो गया, हमारी गोभी मंचूरी तैयार हो चुकी है। आइए इसे सर्व कर लें। ये देखिए, गोभी मंचूरी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही अच्छी और क्रिस्प बनी है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं मुझे कि कैसी लगी आपको भी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।